दुर्ग जिले में फर्जी ईडी अधिकारी बनकर 2 करोड़ रुपए की ठगी की घटना को अंजाम देने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। ठगी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीते मंगलवार को दुर्ग के राइस मिलर विनीत गुप्ता के ऑफिस में आरोपियों ने फर्जी ईडी के अधिकारी बनकर कार्यवाही का डर दिखाकर 2 करोड़ रुपए की ठगी की थी। इस मामले की निगरानी दुर्ग SP स्वयं कर रहे थे। यह मामला मोहन नगर थाना क्षेत्र का है। मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने कुछ इस प्रकार से दी। 27 जून को मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्रीन चौक में व्यापारी अखिलेश गुप्ता के ऑफिस में कुछ लोग ईडी के अधिकारी बनकर के आए थे और सर्च करने के दौरान उनके वहां पे 2 करोड़ रुपए कैश रखे हुए थे, जो उनको एक तीसरे व्यक्ति ने किसी बिजनेस में लगाकर लाभ दिलाने का झांसा देकर के उनसे निकलवाया था। इन लोगों ने ईडी अधिकारी बनकर उस अमाउंट को जब्ती किया और व्यापारी को और अमाउंट को अपने साथ वहां से ले गए। व्यापारी को आधे रात से राजनांदगांव में इन्होंने छोड़ दिया और रकम लेकर के महाराष्ट्र की ओर बढ़ गए। सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें अलर्ट हो गई और अलग अलग स्थानों में अपना CCTV कैमरा और साइबर इनपुट के माध्यम से आरोपियों की पतासाजी करने लगी। इस दौरान हमको पता चला कि ये जो ग्रुप है वो मुंबई को बिलोंग करता है और मुंबई में भी इसमें CBI के अधिकारी बनकर ऐसी ठगी की घटना की है। मुंबई पुलिस से संपर्क किया गया और हमारी टीम मुंबई पहुंची। मुंबई में इन लोगों का लोकेशन हमको मिला और अलग अलग लोकेशन पे हमने छापेमारी कार्रवाई की। इस दौरान हमको 8 आरोपी जो यहाँ आए थे वो उनको पकड़ने में सफलता मिली है। साथ में इनके एक महिला है जो कि पूरी कंस्पिरेसी में इनके साथ में थी, उनको भी हमने गिरफ्तार किया है। कुल 1,26,00,000 रुपए की रकम हम लोगों ने रिकवर की है। कुछ सोना है 2 लाख से ऊपर का, तो लगभग 1,30,00,000 के आसपास की रकम हमने रिकवर कर ली है। कुछ बैंक अकाउंट्स को भी हमने फ्रीज किया है। इनके 3 साथी अभी भी हमारी गिरफ्त से बाहर है, उनकी पतासाजी की जा रही है और हमें उम्मीद है कि उनको पकड़ेंगे तो उनसे भी हमको और रकम की बरामदगी होगी। इसमें जो भी लोकल लोगों से पूछताछ चल रही थी वो शुरुआती तौर पे इस वजह से चल रही थी क्योंकि जो ठगी के लिए जो व्यक्ति पहले इनसे संपर्क किया था अपने आप को बिजनेसमैन बनाते हुए, उसने यहाँ के लोकल एजेंट्स के माध्यम से जो व्यापारी है उन तक पहुंचने का प्रयास किया था। लोकल एजेंट्स को भी उसने झांसे में लिया था और उनको कमीशन का लालच देकर के वो व्यापारी बनकर इनसे मिला था। लोकल लोगों का कोई भी इसमें हमको इन्वॉल्वमेंट नहीं मिला है। इनके पास से जो सामान हमको बरामद हुआ है उसमें फर्जी आई कार्ड है जो कि ईडी और CBI के अधिकारियों का आई कार्ड है। साथ ही साथ कुछ 2 गाड़ियां हमको मिली है, स्कॉर्पियो और आर्टिगा। नीली बत्ती, पीली बत्ती जो ये पुलिस अधिकारी बन करके गाड़ियों को जो चलाते थे वो, और मीडिया का भी एक आईडी मिला है। हमारे यहाँ पे मीडिया के आईडी का कुछ इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन इससे पहले इन लोगों ने 5 अलग अलग जगहों पे और ठगी की घटना को अंजाम दिया था, तो हमें ऐसा लगता है कि वहां पे इन्होंने मीडिया कर्मी बन करके भी कुछ ना कुछ